हैंडलिंग ऑफ एथिकल डायलेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्लाई द गाइडलाइंस द मॉर्निंग आफ्टर टेस्ट द फ्रंट पेज टेस्ट द मिर टेस्ट द रोल रिवर्सल टेस्ट एंड कंपनसेट टेस्ट अब ये जितने भी टेस्ट हैं इन सब का क्या मतलब है इन सब का डी स्टूडेंट्स ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एथिकल इशू पैदा हो जाता है जो कि अन ऐथिकल है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए हाउ यू हैव टू हैंडल दचुएशन सबसे पहले यू मस्ट नो वट इज़ द रीज़न ऑफ दैट अनएथिकल बिहेवियर पहला ये पॉइंट है अगर आप उसकी रीज़न तलाश कर लेंगे तो आप उसका सोल्यूशन भी तलाश कर लेंगे अगर आप उसकी रीज़न तलाश करने में बिल्कुल नाकाम हो गए तो आप उसको कभी भी सोलूशन की तरफ नहीं ले जा सकते इसके लिए आपको पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है फिर उसका सोलूशन तलाश किया जाता है और अप्लाइड रिसर्च में आपको प्रॉब्लम पहले से नोन होती है और फिर उसका सोल्यूशन तलाश करते हैं लेकिन इस किस्म की सिचुएशन में यू नीड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इट इज आल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च द अप्रोच यू हैव थ्री बेसिक अप्रोच बेस्ट रेशो ब्लैक एंड वाइट एंड फुल पोटेंशियल अप्रोच फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट अल्टीमेट डिसीजन इंक्लूड योर पर्सनल मेकअप द एक्सपेक्टेश कंपनी एंड द डिग्री ऑफ कंपनी सपोर्ट लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं उसकी तरफ सोचते हैं कि इफ़ दे हैव कमिटेड अनएथिकल बिहेवियर दैन व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पांस ठीक है सिचुएशन को वो समाइम अन अवॉइड वे में कहते हैं कि ठीक है इट सम अगर प्रॉब्लम सीरियस है तो उस पर पनिश भी किया जाता है लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखें कि जब इम्प्लॉय को एक दफ़ा पनिश कर दिया जाएगा तो री इन्फोर्समेंट डेवलप होगी उसकी तरफ से वो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं है उसके लिए बेटर वे ये है मैनेजमेंट अपनी मैनेजमेंट को यूज किए बगैर इंप्लाइज से रिस्पॉन्स ले दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीड डिसीज़न द अप्रोच सिलेक्टेड इन स्टेप टू विल डिक्टेट हाउ यू प्रोसीड टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस फाइनल स्टेप द फर्स्ट इज टू प्रोसीड एंड स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग विद अप्रोच सिलेक्टेड सेकेंड इज द टू प्रोसीड कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर परसिस्टेंट डिसीजन पहले से मौजूद होने चाहिए अगर परसिस्टेंट डिसीजन पहले से मौजूद हैं योर एम्प्लाई विल नॉट प्रैक्टिस दैट अनएथिकल बिहेवियर नेक्स्ट टाइम इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैज द इशू और प्रॉब्लम इन थारोली एंड एकटली डिफाइंड ये की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर प्रॉब्लम को थारोली डिफाइन नहीं किया गया तो हाउ यू कैन गॉट द सिचुएशन

ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसका मोटिव क्या है एम क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है परपज़ क्या है अगर वही आपको पहले से वेल well डिफाइंड नहीं है तो यू कॉन्ट गेट दैट पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वट इज द प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन वट इज द प्रॉबेबल लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये जो प्रॉबेबल है इसका मतलब है कि माइट पॉसिबल शायद हो सकता है लेकिन हकीकत में हम ये काम करना चाहते हैं हु विल बी अफेक्टेड बाई योर डिसीजन आपके डिसीजन से कौन इफेक्ट हो रहा है एम्प्लाई या सम टाइम एम्प्लायर स्टेक होल्डर जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपके कस्टमर्स हैं वेंडर हैं सप्लायर हैं फिर उस इंडिविजुअल लेवल पे आपने देखना है कि वो आपके डिसीजन से कैसे इफेक्ट हो रहे हैं देन डिड यू डिस्कस द डिसीजन विद आर स्टेक होल्डर्स अगर बेटर तो यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का जो जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेस्ट है आप उसको वॉच करें उसके मुताबिक डिसीजन लें ताकि आपके डिसीजन से तमाम लोग पॉजिटिव वे में मुतासर हों नेगेटिव वे में अफेक्ट ना हो वुड यू डिसाइड वुड यू डिसीजन विद स्टैंड सक्रूटनी ऑफ इम्प्लाइज कस्टमर कोलिग्स एंड द जनरल पब्लिक ये वही बात है कि डिसीजन लेने से पहले स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर के इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट स्टेक होल्डर का जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेस्ट है अब हर बंदे का इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है इंप्लाइज का इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कस्टमर का डिफरेंट है वेंडर का डिफरेंट है उन सब के इंटरेस्ट लेवल को आपने वाच करना है उसके मुताबिक डिसीजन लेना है एथिक्स एंड विसल ब्लोइंग विसल ब्लोइंग इज द एक्ट ऑफ ऑल आउटसाइड अथॉरिटीज आर मीडिया ऑफ द इलीगल और इलीगलिकल एक्ट ऑन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिविजुअल तमाम लोगों को इन्फॉर्म करना कि वाट इज गोइंग ऑन विद इन ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा उस प्रॉब्लम को बीट कर दें कि लोग ऑटोमेटिकली समझना शुरू हो जाएं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या चल रही है दिस इज नोन एज विसल ब्लोइंग अब ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है यू हैव टू टॉक विद योर मैनेजर जनरल मैनेजर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैन सी ईफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह आप उसको टेक्निकल एथिकल वे में मैनेज कर लेंगे प्रॉब्लम्स विद विसल ब्लोइंग रीट्रीब्यूशन डैमेज रिलेशनशिप एंड हॉस्टेलिटी लॉस ऑफ फोकस एंड द लास्ट स्केपो गंग अब इन चारों पॉइंट का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप विसल ब्लोइंग को करना शुरू कर दें कि ऑर्गेनाइजेशन में इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो डम बीट करना शुरू कर दें ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुंच जाए इट विल लीड्स टू वर्ड बैड रेप्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की बैड रिप्यूट डिवेल्प ना होने दें बल्कि पॉजिटिव रेप्यूट को डिवेल्प करें और इस चीज़ को विद इन दामसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टैकल करें सॉल्व करें और इम्प्लाइज को कन्वे करें जो आपके हेड हैं और वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ ताकि उस किस्म की प्रॉब्लम को दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में पैदा ना होने दिया जाए